उत्तर प्रदेश के चंदौली में कुदरत का अजीब करिश्मा देखने को मिला है। यहाँ पर एक गांव में दो सिर वाले बछड़े ने जन्म लिया है, जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब तो यहाँ पर दूर दूर से लोग दो सिर वाले बछड़े को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बछड़े की खासियत यह है कि इसके दो मुंह, दो कान और चार आंखें हैं और बछड़ा फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है। चंदौली के बरहुली गांव में अरविंद यादव के घर इस बेहद खास तरीके के बछड़े ने जन्म लिया है। अरविंद यादव के मुताबिक गाय ने रविवार की सुबह एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जब उनके परिजनों ने इस बछड़े को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि बछड़े के दो सिर थे। अरविंद यादव और उनके परिवार के लोग जहां इसे कुदरत का करिश्मा समझकर काफी हैरान थे, वहीं गांव के कुछ लोग इसे दैवीय चमत्कार अब मान रहे हैं। इस अजूबे बछड़े को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी अरविंद यादव के घर पहुंच गए हैं। वहीं पशु चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लोगों का कहना है कि भ्रूण के विकसित होने के दौरान सेल्स के एबनॉर्मल विकास के चलते इस तरह की चीजें सामने आती हैं। चंदौली के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि ये कोई दैवीय चमत्कार नहीं है। उन्होंने कहा कि गर्भ में भ्रूण के विकसित होने के दौरान कोशिकाएं कई भागों में बढ़ती हैं और इस प्रक्रिया के दौरान कभी कभी कोशिकाओं का अतिरिक्त विकास हो जाता है, इसी वजह से दो सिर बन जाते हैं। लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।